नमस्कार। आज हम नया तरीके से आलू टिक्की बनाएंगे। आलू टिक्की के लिए ये सब सामग्री चाहिए। मैंने चार आलू को बॉईल करके इसका छिलका निकाल कर लिया है। एक कप दही लिया, इसमें पानी मैंने निकाल दिया है। सेव लिया आधा कप, कॉर्नफ्लोर लिया है 3 चम्मच, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, काला नमक। कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, इसको मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पेस्ट तैयार करेंगे। ज़्यादा पतला की ज़्यादा मोटा नहीं करना है। हम ये दही में 1 चम्मच चीनी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ये बनाएंगे, मैंने गैस का ऊपर पैन रख दिया। इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। एक आलू लेंगे, इस तरह हाथ में दबा देंगे। कॉर्नफ्लोर पेस्ट में इस तरह दबा कर इस तरह हाथ में दबा देंगे। कॉर्नफ्लोर पेस्ट में इस तरह दबा कर साइड में छोड़ देंगे। एक साइड ही 5 मिनट फ्राई करेंगे। मैं एक तरफ 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसको पलट देंगे। सेकते हुए 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसको पलट देंगे। 2-3 मिनट इस तरह को सेक देंगे। सेकने में 12-13 मिनट हो चुका है। आलू टिक्की हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। टिक्की तैयार हो चुका है, अब हम चाट बनाएंगे। ये दही में थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। आलू टिक्की के ऊपर दही डाल देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल लेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा सेव इसमें इसके ऊपर डाल लेंगे। आलू टिक्की चाट हमारा तैयार हो चुका है। आलू टिक्की चाट घर पर बना कर खाइए। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे नए रेसिपी पहले आपको मिल जाएगा।